महंगाई को लेकर देश और प्रदेश में राजनीति गर्मा रही है। कभी केंद्र के नेता राज्य के नेताओं को घेरते हैं, कभी राज्य के नेता केंद्र के नेताओं को घेरते हैं। जयपुर में महारैली का आयोजन है कांग्रेस की ओर से। राहुल गांधी लंबे समय के बाद फिर जयपुर में आ रहे हैं और महारैली को संबोधित कर रहे हैं। क्या होगा राहुल गांधी का भविष्य, क्या होगा प्रियंका गांधी का भविष्य और क्या होगा केंद्र की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी का भविष्य? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस रैली से, इस महारैली से शुरुआत होगी कांग्रेस की केंद्र में जाने की। क्या कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, क्या कहा राजस्थान प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने, क्या कहा कांग्रेस के आला नेताओं ने? देखिए हमारे साथ ये खास खबर। उत्साह कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश के अंदर कार्यकर्ता उत्साह, और मुद्दा इतना बड़ा है, महंगाई का मुद्दा अपना बड़ा मुद्दा है। पूरे देशवासी ग्रसित है महंगाई से। भारत सरकार के परिणाम है, भयंकर महंगाई की मार है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ में हर चीज की, चाहे वो कंज्यूमर आइटम हो, चाहे रसोई का आइटम हो, चाहे वो रियल एस्टेट के लिए सीमेंट और लोहे की बात हो, सब जगह महंगाई इतनी भयंकर हो गई कि लोग त्रस्त थे। इतने स्वाभाविक है, जब मुद्दा वो बनता है जो पब्लिक जहन में पहले से ही है, तो उसी टाइम रेस्पॉन्स मिलता है। आज पूरे प्रदेश से और प्रदेश के बाहर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेस्पॉन्स मिल रहा है। कल आप देखेंगे बहुत भयंकर तरीके से लोग उत्साह के साथ में लोग जब जयपुर प्रवेश करेंगे और रैली पे हाजिर होंगे। देश लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, मैसेज आएगा पूरे देश के अंदर। और मैंने उस दिन भी कहा एनडीए गवर्नमेंट की पतन की शुरुआत की रैली कल होगी। अगला चुनाव हम कैसे जीते हैं उनकी शुरुआत रैली कल ही होगी। ओके, धन्यवाद। दिल्ली से बाहर जयपुर के अंदर हो रही और महंगाई हटाओ रैली जैसे इसका नाम है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिससे आज हमारे देश का हर नागरिक, हर परिवार दुखी। हमें कांग्रेस पार्टी ने ये मौका दिया कि राजस्थान के अंदर पूरे देश के लोगों की दुख और तकलीफ की आवाज हम यहाँ पे उठाएं। हम सबके सब लोग जो हैं कांग्रेस आला कमान के हम लोग धन्यवादी हैं। आज महंगाई हटाओ रैली के लिए विस्तार से बताने के लिए महंगाई के बारे में और इसके पीछे हम लोगों की क्या सोच है, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मीडिया कम्युनिकेशन के इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला जी यहाँ पे हैं और वो विस्तार से आपको इसके बारे में बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी यहाँ पे हैं, दोतासरा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ये भी यहाँ पे हैं। जो प्रश्न आपके इसके बाद में होंगे ये सब के सब लोग उसका उत्तर देंगे। और अब मैं अनुरोध करूंगा रणदीप सुरजेवाला जी से कि वो विस्तार से महंगाई के बारे में और इस रैली के बारे में बताएं। 12 दिसंबर को राजस्थान साक्षी बनेगा महंगाई के खिलाफ महायुद्ध का। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की प्रेरणा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का नेतृत्व, उनके नेतृत्व में सत्ता के नशे में मदमस्त और कुंभकर्णी नींद में सोई अहंकारी मोदी सरकार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई का शंखनाद होगा, जिसकी गूंज समूचे देश में सुनाई पड़ेगी। दिल्ली की डरी हुई मोदी सरकार ने कांग्रेस की हटाओ रैली की अनुमति रद्द कर दी, मगर उसे नहीं मालूम कि राजस्थान की मिट्टी में शौर्य है, राजस्थान की मिट्टी में खुददारी है। और जब जब राजस्थान की वीर भूमि की माटी को माथे पर लगाकर किसी भी जंग का शंखनाद किया गया है, तो अहंकार तानाशाह परास्त हुए हैं और यही होगा। अगर महंगाई की पर्याय बनी मोदी सरकार का नाम लो तो दो प्रतिध्वनि सुनती हैं, एक महंगाई और एक बेरोजगारी। मोदी सरकार ने देश के लोगों पर दोहरा प्रहार किया है, एक तरफ रोजी रोटी के अवसर छीन लिए तो दूसरी तरफ देश को महंगाई की आग में झोंक दिया। बीते 7 सालों की कारगुजारी पर साथियों अगर नजर डालें
तो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए मौका और देश के लोगों को धोखा, यही मोदी सरकार का सार है। पेट्रोल, डीजल, सब्जियां, दालें, तेल, नमक, सब कुछ आम जनमानस की पहुंच से बाहर हो गया है। काफी आंकड़े हम आपको दे रहे हैं, मैं यहां दोहराकर आपका समय नहीं लूंगा, पर संक्षिप्त में यह जरूर कहूंगा कि याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो कांग्रेस ने सरदार मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सरपरस्ती में, अशोक गहलोत जी की सरपरस्ती में, माखन साहब देश के गृह मंत्री उस समय थे उनकी सरपरस्ती में, हमने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को क्या सौंपा था? गैस का सिलेंडर था 400 रुपया, डीजल का भाव था 56 रुपया लीटर, पेट्रोल का भाव था 70 रुपया लीटर, पर कच्चे तेल का भाव था $108 प्रति बैरल। आज घर का खाना खाने की गैस 1000 पार, होटल पर, रेड़ी पर, खोमचे पर, चाय वाले की दुकान पर इस्तेमाल होने वाली गैस 2000 पार, पेट्रोल और डीजल 100 पार, खाना खाने का तेल 200 पार, और सब्जी में तड़का लगने वाला टमाटर भी अब तो 100 पर पहुंच गया, 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, अलग अलग समय पर अलग अलग रेट। मोदी सरकार ने बीते 7 सालों में केवल पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज बढ़ाकर 24 लाख करोड़ रुपया कमाया है, 24 लाख करोड़ रुपया, और इसको लूटाकर फिर गवाया भी है। साथियों, अगर मैं 6 या 7 बिंदुओं की संक्षिप्त में चर्चा करूंगा, जो सूचांक है, मापदंड है जो इस सरकार ने जारी किए, और काफी तफसील से फिर मेरे आदरणीय सहयोगी मुख्यमंत्री जी माकन साहब आपको बताएंगे आपके सवालों के जवाब में, और कल फिर राहुल गांधी जी भी बताएंगे, पर अगर हर निर्णय पर नजर डाली जाए तो जन विरोधी इनका रवैया साफ है। हाल में ही RBI की रिपोर्ट आई, उन्होंने बताया कि नोटबंदी और GST से छोटे, लघु और मझोले उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। नोटबंदी के बाद कैश इन सर्कुलेशन यानी अर्थव्यवस्था में रोकड़ 64% बढ़ गया। नोटबंदी से ठीक पहले 4 नवंबर 2016 को था 17,74,000 करोड़, और 29 अक्टूबर 2021 को यह हो गया 29,17,000 करोड़। ना नक्सलवाद खत्म हुआ, ना उग्रवाद खत्म हुआ, ना ब्लैक मनी खत्म हुई, और ना करेंसी इन सर्कुलेशन कम हुई, तो देश क्यों लूटा? दूसरा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट हाल में आई, उसने बताया कि भारत में भूखमरी के हालात हैं। हम पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी देशों से भी पीछे पिछड़ गए हैं। 116 देशों की लिस्ट में हमारा नंबर 101वां है, 101वें पायदान पर पहुंच गए। तीसरा, अभी दिसंबर 2021 में 3 दिन पहले विश्व असमानता रिपोर्ट आई, उसका खुलासा और चौंकाने वाला है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के 10% धन्ना सेठों के पास हिंदुस्तान की 57% आय और पैसा है, और हिंदुस्तान के 50% गरीब और मध्यम वर्ग लोगों के पास केवल 10% पैसा। इतनी घोर है समानता, यानी अमीर और अमीर, गरीब और गरीब, यही अच्छे दिन है। एक और NSO की रिपोर्ट आई भारत सरकार की, मोदी जी कहते थे 2022 तक आय दुगनी हो जाएगी किसान की, 20 दिन बचे, पर NSO की ताजा रिपोर्ट यह दिखाती है कि हिंदुस्तान के किसान की औसत आय 27 रुपया प्रतिदिन है, जो मनरेगा की मजदूरी से भी कम है। एक और NSO की रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया, उसने बताया कि देश में किसान के ऊपर औसत कर 74,000 रुपया है। याद करिए, कांग्रेस की सरकार ने तो 72,000 करोड़ रुपया देश के किसान का एक मुश्त माफ किया था, सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने। मोदी जी कहते हैं हमारे पास किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, SC ST OBC के लिए फूटी कोड़ी नहीं, पर 10 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते में डाल दिया, किसका? कुछ पूंजीपति मित्रों का 7 साल में। लेबर मंत्रालय की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा देश में 45 साल में सबसे भीषणतम बेरोजगारी है। आज जब मैं, आप और हम सब वार्तालाप कर रहे हैं तो 10% देश में बेरोजगारी की दर है, छू रही। हाल में ही ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, उसने बताया कि कोरोना महामारी की विभीषिका में भी जो देश के सबसे 100 बड़े उद्योगपति हैं मोदी जी के मित्र, उन्होंने 13 लाख करोड़ रुपया कमाया, और देश के 12 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार गवाया। तो देश के 100 लोग 13 लाख करोड़ कमा रहे हैं,
और 12 करोड़ लोग अपना रोजगार गवा रहे हैं। मोदी जी के कई मित्र तो 1,000 करोड़ रुपया प्रतिदिन कमाते हैं, और दूसरी ओर हमारी गरीब बहनें 1,000 का सिलेंडर लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाती हैं। माखन साहब ने पहले भी बताया, आज दोहराना जरूरी मानता हूं, कांग्रेस यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से हम खींचकर बाहर निकाल लाए, और 7 साल के मोदी जी और भाजपा के कार्यकाल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए। तो साथियों, इसीलिए साफ है कि मोदी और भाजपा को चुनाव हराओ और महंगाई से निजात पाओ। यही वो रैली है जिसका आगाज कल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश से आए कांग्रेस जन करेंगे। अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वो अपनी बात कहेंगे और उसके बाद हम दोतासरा साहब और फिर हम सवाल लेंगे। सर आप इधर आना चाहिए। हाँ, मैं तो बताऊं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछली रखी गई है, सुनने वाला जी से बात आऊंगा कि और उसको लंबा खींचे। आपके कोई प्रश्न होंगे तो मैं हूँ है। आदरणीय मित्र, उत्तर प्रदेश में मोदी जी जाएं, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी रैली करवाएं, पूरे उत्तर प्रदेश की एक एक संसाधन और साधन पटवारी और तहसीलदार से लेकर हर अधिकारी के माध्यम से जबरन बंदे इकट्ठे करवाएं, तो वो तो सत्ता का इस्तेमाल है। और यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता, विधायक, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी अपने खर्चे पर साथियों को लाएं, तो फिर ये सत्ता का दुरुपयोग है। एक हमारे यहां कहावत है हरियाणा और राजस्थान में, छाज तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 1,000 छेद। तो उन महासचिव महोदय को हम कहेंगे अपने गिरेबा में झांकिए, बजाय इसके कि वो गहलोत सरकार पर या कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम जड़ें, ये बताइए कि 1,000 रुपये का सिलेंडर 400 रुपये का कब करेंगे। ये बताइए कि 3 रुपया 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी सरदार मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में किसान के ईंधन डीजल पर, आज भी 10 रुपया कम करने के बाद 21 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर है, उसे 3 रुपया 56 पैसे कब करेंगे महाराज। आज भी जब हमारा समय था तो 9 रुपया प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल पर, आज भी वो 20-22 रुपया 23 रुपया है, उसे कम कब करेंगे। 2,000 रुपये का कमर्शियल गैस सिलेंडर जो चाय वाला और रेडी वाला चीज पे अपने अपनी चाय भी बनाता है और पकोड़े भी तलता है, उसको दोबारा से 400-500 और 600 रुपये का कब करेंगे। जो लाल टमाटर 80 और 100 रुपये का हो गया, वो सस्ता गृहिणी को कब मिलेगा। इन बातों का जवाब दीजिए बजाय उल जलूल बात करके लोगों का समय नष्ट करने के। माखन साहब इसका जवाब देंगे, मैं उन्हें अनुरोध करूंगा। राहुल जी कल यहाँ पर आ रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्षा के आने के बारे में अंतिम सूचना कल सुबह हमें मिलेगी, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज समझ लें आप कि यह रैली कांग्रेस की राष्ट्रीय रैली है और इसके अंदर कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के तमाम हमारे नेतागण, हमारे दूसरी स्टेट्स के भी मुख्यमंत्रीगण, भूतपूर्व मुख्यमंत्री और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सभी के सभी लोग इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रैली है और प्रियंका जी भी इस रैली के अंदर हिस्सा लेंगी, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सभी जनरल सेक्रेटरी सबके सब आएंगे। तो ये महंगाई के विषय में राष्ट्रीय रैली है जो बहुत महत्वपूर्ण रैली है, विषय बहुत महत्वपूर्ण है। सुरजेवाला जी ने बहुत विस्तार से मेरे ख्याल से बताया, इसके बाद में शायद अब कुछ पूछने को इसके बारे में, महंगाई के बारे में नहीं रहेगा। इसीलिए कुर्सियां लगाई हैं कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना हो सके, दूरी के हिसाब से हर व्यक्ति को मास्क लेकर के आएगा और हर कुर्सी के ऊपर मास्क देंगे, हर गेट के ऊपर मास्क वाला रहेगा, सैनिटाइजर वाला रहेगा, टेम्परेचर मापने वाला गेट के ऊपर रहेगा और तमाम वो प्रोटोकॉल जो
कोरोना गाइडलाइन में है उनकी पालना करते हुए हम लोग रैली करेंगे। मैं दोनों का इकट्ठे दे देता हूँ, इनको भी पूछ लेना। हाँ 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 पूछिए पूछिए, आप नाराज मत होइए, बिल्कुल बिल्कुल आप सवाल पूछिए। आप खुद कह रहे हैं कल राहुल गांधी जी जवाब देंगे, सोनिया जी आएंगे नहीं आएंगे, एक आपकी रणनीति का हिस्सा होगा, क्या एक तरह से राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग हो रही है, दोबारा अध्यक्ष बनाने की ताक को सिखवाई, और आपके मित्र क्या मन बना चुके हैं अध्यक्ष बने, क्योंकि आप जवाब देंगे साथ में बने। आदरणीय साथी, एक वरिष्ठ साथी ने सवाल पूछा, मैं ये कहना चाहूंगा ये आपके मन में संशय हो सकता है, कांग्रेस परिवार के सब लोग एक हैं और वो सब हिस्सा लेंगे, किसी की कोई व्यक्तिगत कहीं दिक्कत हो सकती है कई बार, परंतु हमारे 99% लोग पूरे देश से हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने माखन साहब को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष को, गहलोत साहब के कार्यालय को ये सूचित कर दिया है। और दूसरा सवाल एक और हमारे युवा साथी ने तेज तर्रार ने पूछा, आदरणीय मित्र मैं ये याद दिलाना चाहूंगा, श्री राहुल गांधी अकेले इस देश के वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, और ये तो किसान और जवान का प्रदेश है, उन्हें लॉन्चिंग रीलॉन्चिंग का तो प्रश्न तब पैदा हो। आप मुझे बताइए, किसानों का जब संघर्ष शुरू हुआ और जब किसानों का आंदोलन, जब अध्यादेश आए, उसके 24 घंटे में वो कौन व्यक्ति था जिसने कहा ये 3 काले कानून हैं जो फिर आप सबने अपनाया, उस व्यक्ति का नाम श्री राहुल गांधी है। वो कौन व्यक्ति था जो प्रांत दर प्रांत ट्रैक्टर यात्रा लेकर गया, जिसने अलख जगाई, जिन्होंने इस बात के लिए इस देश के किसान को जागृत किया, आवाज दी, आगाज किया कि ये 3 काले कानून खेती के 25 लाख करोड़ के व्यापार को मुट्ठी भर मोदी जी के पूंजीपतियों को बेचने का षड्यंत्र है, उस व्यक्ति का नाम भी श्री राहुल गांधी। वो कौन व्यक्ति था जब किसानों को उग्रवादी, आतंकवादी, गुंडे, मवाली कहा करते थे लोग, जो 100 सांसदों को और 18 राजनीतिक दलों को देश की संसद से उठकर देश किसानों की संसद में लेकर गया, उस व्यक्ति का नाम भी श्री राहुल गांधी है। वो कौन व्यक्ति था जब मोदी जी की सरकार ने संसद में यह जवाब दे दिया कि हमें तो पता ही नहीं किसान मरे हैं या नहीं मरे, जो किसानों की लिस्ट लेकर गए और जिन्होंने हुक्म दिया पंजाब की सरकार को पार्टी के एक लीडर के तौर पर कि हर किसान को मुआवजा भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगा, उस व्यक्ति का नाम भी श्री राहुल गांधी है। उन्हें किस बात के लिए लॉन्च रीलॉन्च की आवश्यकता है? ये वो व्यक्ति है जिसने इस देश के गरीब की, पिछड़े की, युवा की, किसान की, शोषित की, वंचित की और आदिवासी की लड़ाई सदैव लड़ी है और वो सदैव लड़ेंगे। पार्टी के चुनाव का जहां तक प्रश्न है, हमारी प्रक्रिया जारी है, थोड़ा सा इंतजार करिए। काश मैं भविष्य के गर्भ में झांक कर कुछ बता सकता तो आपको जरूर बताता, पर एक बात फिर कहूंगा, 99.9 नहीं 100% कांग्रेस के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि श्री राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष हो, बाकी चुनाव की प्रक्रिया से निर्णय होगा। सुरजेवाला जी, राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री ने कहा कि जो ओमिक्रॉन आया है ये पुराने सारे वेरिएंट को मारने आया है, तो हमें जानना चाह रहे थे, राजस्थान की जनता भी जानना चाहती है, ये रिसर्च सरकार ने कहां कराया और इसकी रिसर्च की जो शोध निष्कर्ष आए वो क्या रहे, ताकि ओमिक्रॉन जैसा एक बहुत ही खतरनाक जीवाणु को रिसर्च के माध्यम से ये साबित किया गया कि उसका असर नहीं रहे, और इस रिसर्च रिपोर्ट भी आप पत्रकारों को उपलब्ध करा दें तो हम उसको प्रकाशित करके एक बहुत दर्दनाक ओमिक्रॉन और 50 मुल्कों के अंदर तीन भी व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है, जो कि साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है, दुनिया कह रही है, तो उस मंत्री का मकसद ये नहीं था, उनका मकसद ये होता हो सकता है कि संदर्भ का मुझे नहीं मालूम, परंतु मायने ये है कि पहले जो हम लोग अंदाज करते थे ओमिक्रॉन भयंकर त्रासदी लेके आएगा, अभी हमारे 9 पेशेंट आए थे, 9 के 9 नेगेटिव आ गए, तो जो अनुभव कह रहा देश के अंदर दुनिया के अंदर उसके हिसाब से फैलता बहुत जल्दी है परंतु ज्यादा आक्रामक नहीं है। और आदरणीय साथी, ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है जो हमने आज सुबह उठाया भी था पार्टी की ओर से, देश में 31 दिसंबर तक सबको कोरोना निरोधक टीका लगना है, जो मौजूदा स्पीड है 11 सितंबर के बाद कोरोना के वैक्सीन लगने के अंदर 8-10% की कमी आ गई है रेट की, और हम वो आंकड़ा टच नहीं कर पा रहे, पर मोदी जी चुप हैं। आप राजस्थान सरकार से तो प्रश्न पूछ रहे हैं, पर क्या किसी ने ये पूछा कि ओमिक्रॉन वायरस जो है, वेरिएंट जो है, क्या उसके बारे में मोदी जी ने जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई, जो उनकी जिम्मेवारी है और वो सूचना सारे प्रदेशों को उपलब्ध करवाने की, क्योंकि सबसे ज्यादा वेयरविदाल और एक्सपर्टीज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। क्या किसी ने ये पूछा भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से
कि बूस्टर डोज कब लगेगा हिंदुस्तान में। पत्रकार मित्र हैं, छायाकार मित्र हैं, कैमरे वाले साथी हैं, पुलिस के साथी हैं, हेल्थ के कर्मचारी हैं, 50-60 उम्र से साल की उम्र से ज्यादा वाले व्यक्ति हैं, डायबिटीज हार्ट डिजीज से अफेक्टेड लोग हैं, इन सबको बूस्टर डोजेस की आवश्यकता है। यह अकेला ऐसा मुल्क है जहां सरकार की बूस्टर डोज को लेकर कोई नीति नहीं। क्या किसी ने यह पूछा कि हमारे 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए कब डोजेस आएगा, किस प्रकार से लगेगा, कब तक लगेगा? स्कूल खुल गए हैं, विश्वविद्यालय खुल गए हैं, महाविद्यालय खुल गए हैं, क्या होगा? परंतु सच्चाई यह है कि देश की सरकार ने देश को कोरोना को लेकर और उसके वेरिएंट्स को लेकर अंधकार में छोड़ रखा है। तो प्रांतों पर पहले भी मोदी जी ने इल्जाम मंडा था, अब फिर प्रांतों पर इल्जाम मंडने की कोशिश कर रहे हैं। जिम्मेवारी और एक्सपर्टीज उनकी होनी चाहिए। सप्लीमेंट करना चाहूंगा कि राजस्थान पहला राज्य देश के अंदर है जिसने बूस्टर डोज की मांग करी है। हमने खुद ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, मैंने खुद नीति आयोग के मिस्टर पॉल जो उसके इंचार्ज है उनसे मैंने बातचीत करी है, और मुझे अफसोस इस बात का है वो खुद ही कहते हैं अभी हमारा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि जब तक सेकेंड डोज नहीं लग जाएगी देश के अंदर तब तक बूस्टर डोज की बात हम नहीं सोच रहे हैं। जबकि अभी सुजवाल जी कह रहे थे कि सेकेंड डोज की जगह बहुत महत्वपूर्ण सेकेंड डोज है, अभियान चला के पूरा होना चाहिए, परंतु जो बीमार लोग हैं, कैंसर पीड़ित है, कोमॉर्बिडिटी कहलाते हैं, 60 प्लस है, उनके लिए एक्सपर्ट कहते हैं कि इनको बूस्टर डोज लगनी चाहिए। अब तो 1 साल हो गया है, बूस्टर डोज पूरी दुनिया के मुल्कों में लगने लग गई है, हमारे यहाँ क्यों नहीं, बल्कि हमारे बच्चों की कब लगेगी भारत सरकार आ गया उसको बताना चाहिए। सर, किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, एक कमेटी आदरणीय साथी, वैसे तो राहुल जी इस पर चर्चा करेंगे और कल की रैली, पर मैं एक लाइन में जवाब दूं तो मोदी सरकार राजनीतिक बेईमानी से ग्रस्त है और किसान विरोध से भी ग्रस्त है। उनकी मानसिकता ही किसान विरोधी है। इसलिए आप बताइए, देश की ये हमारा एमएसपी की प्रणाली कांग्रेस 64-65 के करीब लेकर आई साल 1964-65 में। 2014 तक एमएसपी के लिए आंदोलन क्यों नहीं हुआ? क्या मैं आपके समक्ष रख सकता हूं? इसलिए कि कांग्रेस की सरकार जो एमएसपी घोषित करती थी वो देती थी, मौजूदा सरकार जो एमएसपी घोषित करती है उस पर फसल नहीं खरीदती, इसलिए किसान आंदोलित है। स्वाभाविक तौर से राहुल गांधी जी ने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मैंडेटोरी स्ट्रक्चर होना चाहिए एमएसपी का, इसलिए आंदोलन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ, संघर्ष जारी है, आंदोलन केवल स्थगित हुआ है। और वो जो संघर्ष है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को देने का, वो है 2022 तक आय दुगनी करवाने का, वो है लागत पर 50% मुनाफा जो मोदी जी ने कहा था वो दिलवाने का, वो है किसान का जो बोनस हटा दिया गया है उस प्रावधान को वापस दिलवाने का, वो है किसान को कर्ज मुक्ति दिलवाने का, और वो है किसान की खाद पर, कीटनाशक दवाई पर, ट्रैक्टर पर, खेती के उपकरणों पर जो टैक्स लगवा दिया है उसे हटवाने का। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ तो बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए राहुल गांधी जी वापस दिल्ली आ गए, उन्होंने प्रचार रोक दिया, जबकि बीजेपी के नेता लोग प्रचार करते रहे, पूरे देश में उसकी आलोचना की, कोरोना चरम पर पहुंचा, अब भी कोरोना आगे बढ़ रहा है। आपको नहीं मालूम है कि उस वक्त में और आज में राजनीति का फर्क है? उस वक्त पूरी देश में हाहाकार मचा हुआ था, डेल्टा वेरिएंट आ गया था, ना ऑक्सीजन की उपलब्धि थी, ना दवाइयों की थी, पूरा देश तड़प रहा था, लोग ऑक्सीजन कमी से मर गए। क्या अभी पूरे मुल्क में माहौल है? ना ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप देखिएगा ना ना, जो उस वक्त में माहौल थे उसमें प्रधानमंत्री जी ने गलती करी, उनको अंदाज ही नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी को कि ये कोरोना वेरिएंट डेल्टा कहलाएगा बाद में। भारत सरकार को ये इल्म नहीं था इतना भयंकर कोरोना आ गया सेकेंड लहर के रूप में, जो ऑक्सीजन की मांग के गुना बढ़ा देगा, बिना ऑक्सीजन के कोई पेशेंट जान पा रहा था, हर व्यक्ति को वेंटिलेटर चाहिएगा। क्या अभी कोई वेंटिलेटर लग रहे हैं कहीं पर? ऑक्सीजन की मांग हो रही है, रात में धन्यवाद। थैंक यू सर।